अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कीमा रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत आसान है और ये बहुत टेस्टी है और ये बहुत जल्दी झटपट बनके तैयार हो जाती है। पहले मैंने एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल लिया, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें प्याज शामिल करेंगे और प्याज के साथ ही फिर हम उसमें एक चम्मच ज़ीरा और एक चम्मच गरम मसाला, साबुत गरम मसाला उसके साथ शामिल करके उसको 6 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक हमारी प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो फिर इसमें हम डालेंगे 4 अदद टमाटर कटे हुए। टमाटर के साथ हम नमक शामिल करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, लाल कुटी हुई मिर्चें, धनिया पाउडर 1 चम्मच और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम उसमें बीफ कीमा ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ बीफ का 1/2 किलो कीमा लिया। इन मसालों के साथ कीमा अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और उसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे हम। इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक शामिल करेंगे। और अब इसको हम ढक्कन ढक देंगे और इसको 30 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। याद रहे कि हमने कीमे में कोई पानी शामिल नहीं किया, कीमा अपने ही पानी में गल जाएगा। 30 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे और उसको अच्छे से दोबारा चम्मच चलाएंगे। अब हम इसमें 1/2 कप दही ऐड कर देंगे और इसको 6 से 8 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता। ऐसे 8 मिनट के बाद दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, चॉप्ड ग्रीन चिलीज और अदरक, बारीक कटा हुआ अदरक और हरा धनिया डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रख देंगे, ताकि इन सब चीज़ों के फ्लेवर्स हमारे कीमे में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएँ। पाँच मिनट बाद हल्की आंच पर दम पर रखने के बाद हमारा कीमा सर्विंग के लिए रेडी। और इसके ऊपर बारीक कटी अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर इसको गार्निश करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।